आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब? आप समझ सकते हैं कि क्या व्यवहार रहता है आम लोगों से। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। तेजस्वी यादव का वो वायरल वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा, लाइव स्ट्रीम भी कल से आपको दिखा रहा है, जिसमें डीएम साहब जब जान जाते हैं कि तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं तब सर 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 करने लगते हैं। वो डीएम साहब पटना के डीएम हैं चंद्रशेखर सिंह। कल की वो वीडियो इस वक्त भी हम आपको लाइव स्ट्रीम के माध्यम से दिखा रहे होंगे, जब हमने पूछा इस सवाल को कि आखिर शासन प्रशासन जो है क्या जानकारी नहीं रखती है हर चीज़ की, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद तेजस्वी यादव खुद उनसे मुलाकात करने पहुँचे पटना के इको पार्क में जहाँ पर वो एकत्रित थे। उसके बाद जब उन्होंने पटना के डीएम से बातचीत की, बिहार के डीजीपी से बातचीत की, तो वाकया कुछ और ही निकल के आया। पहले वो ज़रा वायरल वीडियो देखिए, उस पर तेजस्वी यादव क्या जवाब दे रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। किया गया, अभी सब लोग इको पार्क में, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग इधर उधर हैं, तो इन लोगों का खाली यही है कि एक जगह ही लोग चाहते हैं बैठ करके, कम से कम जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ धरना दें। तो इसलिए हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं, इनके एप्लीकेशन आप अलाउ कीजिए, हम लोग तो यही खड़े हैं इको पार्क में। अच्छा, हम देख लेते हैं, भेजेंगे, हम भी कॉल करते हैं। नहीं नहीं, कब तक बताइएगा? अरे भेजिए ना, पहले कब तक बताए, अभी हिसाब लीजिएगा हमसे, हम आपको हम भेज देते हैं। भेजें नहीं, कब तक जो है हिसाब ले रहे हैं, कब तक बताइएगा? आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब? अच्छा सर, सर सर आप समझ सकते हैं कि क्या व्यवहार रहता है आम लोगों से। सर ये तरीका है, मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि सर जो है नंबर सार्वजनिक करो, ये करो, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं जब कोई आम व्यक्ति, आम जनता, नौकरशाहों को अगर फोन करके कोई चीज का जानकारी लेना चाहता है, और इनके अधिकारी तो नियम का उल्लंघन इस प्रकार से उठा रहे हैं। अब बताइए, जो घटना स्थल है गणतंत्र पार्क, वहां बैठने नहीं दिया जा रहा, और यहाँ स्थिति देख लीजिए, पहले तो हड़ताली चौक हुआ करता था, उधर फिर आपको नाले के पास फेंक दिया गया, अब वहाँ भी लोगों को नहीं बैठने दिया जाएगा। तो डेमोक्रेसी है कि नहीं है, लोकतंत्र है कि नहीं है? लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को लोग कहाँ उठाएंगे? एक तो आप धांधली करा रहे हैं, करप्शन बढ़ा रहे हैं, लोगों का अधिकार छीन रहे हैं, लिस्ट तैयार हो रहा है इसलिए नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा, जो आरसीपी टैक्स देगा उसका लिस्ट में नाम आएगा, लोग हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके ऑर्डर का कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। कोर्ट का तो यही निर्णय था ना, अविलंब जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जो है वो शिक्षकों को दो, क्यों देरी हो रही है? अगर इस जायज मांग के साथ अगर वो शांतिपूर्ण ढंग से नियम अनुसार सेलेक्टेड जगह सरकार का वो भी किया हुआ, अगर वहाँ धरना दे रहे हैं, तो आपको क्या राइट है हटाने का? तो ऐसे मन बढ़ा हुआ है अधिकारियों का कि नियम धजियां संविधान सबका मखौल उड़ा रहे, और क्या व्यवहार है ये किसी से छुपा नहीं है। आप हम क्या समझते नहीं समझते हैं, वो लोग तो चोर दरवाजे से आए हुए हैं, वो नहीं समझ रहे हैं क्या कौन क्या है? लेकिन एक बात समझिए, आवास के बाहर हमारे इतने सालों से हम लोग इस आवास में रह रहे हैं, क्या कोई खतरा उत्पन्न हुआ है मुख्यमंत्री के लिए? कभी कोई दिक्कत आई है? अब लोग हमसे मिलने तक नहीं आएंगे क्या? हमारे विधायक है, विधायक दल की बैठक हो रही है, विधायक आ रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर सरकार किसी की बात, जनता की, गरीबों की बात अगर नहीं सुनेंगे तो वो विपक्ष के पास आएंगे, तो उनको आ करके डेली हटाने का काम किया जा रहा है। अभी सूचना मिली है कि यहाँ जितने सिक्योरिटी कर्मी हैं उनका जो है लिस्ट मांगा गया है। अरे भैया, इतना तत्परता अपराधी को पकड़ने में अगर नीतीश कुमार लगा देते, उनके अधिकारी लगा देते, हमसे क्या खतरा है? हम लोगों से क्या खतरा है? इतने साल से रह रहे, और जो सुरक्षा कर्मी अपनी ड्यूटी निभा रहा है, आप जो है उस पर आप चाहते हो कि कार्रवाई करें, आखिर कारण क्या है? आज भी नहीं, कई बार
सचिवालय थाना के थाना प्रभारी बार बार आकर के जो गरीब बेबस जो लोग हैं जिनको एक आस है एक उम्मीद है कि यहाँ सुनवाई होगी कार्रवाई होगी उनको भगाने का काम करवा रही है ये सरकार। तो आपने वो वायरल वीडियो एक बार फिर से देखा है, उस पर तेजस्वी यादव क्या जवाब दे रहे हैं आपने सुना है। बहरहाल आप लाइव सीजन बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तेजस्वी यादव का कहना है कि शासन प्रशासन हाथ में नहीं है और ना ही उन पर लगाम है सरकार का, ऐसे में कैसे बिहार सरकार चल रही है ये तो खैर आप समझते होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।